जिनका मन इस झारखंड के विकास के लिए नहीं था, जिनका मन केवल अपने लूट खसोट के लिए था, ऐसे लोग लंबे समय तक रहे, पहले कांग्रेस और अब कांग्रेस के साथ वाले जो लगातार झूठ बोलते हुए झारखंड बिहार से अलग हो ही नहीं सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनने कहा कि झारखंड बनेगा और बन के रहा, लेकिन उनकी भी आत्मा अभी ऊपर से देख रही है। झारखंड को बनाते समय उनने कहा था झारखंड के सभी संसाधनों के बलबूते पर झारखंड सभी राज्यों से नंबर वन का राज्य बनेगा, ये अटल जी ने कहा था। दुर्भाग्य से ये चोर डाकू लुटेरे पता नहीं कौन कौन कहां कहां से आ गए, और बेईमान भी इतने पता नहीं क्या करेंगे, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। अरे एक घर से 350 करोड़, बाप रे बाप, किसको कहते हैं? अगर 100-100 के नोट की गड्डियां इकट्ठी करो तो पूरी रेल के रेल भर जाए, इनको शर्म नहीं आ रही। और मंत्री मंत्री तो मंत्री, उनके पीए नौकर चाकर, आपका ये चुनाव इन सारे बेईमानों से निपटने का चुनाव है, इस बात का हमको संकल्प करना। एक तरफ नीर छीर ईमानदार पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें उनके आधार पर, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस झारखंड को विकास के एक नए माहौल में पहुंचाने का चुनाव है, जिसके माध्यम से हमारे लिए आज दुनिया देख रही भारत की तरफ, भारत के लोगों की तरफ, सभी राज्यों की तरफ। अरे परमात्मा ने इतना दिया झारखंड को, क्या कम दिया, लेकिन ये नादान और बेईमानों ने हमारी सबकी इज्जत खराब करी। इनके छोटे स्वार्थ के कारण से ये क्षमतावान लोग कोई किसी से कम नहीं है, डॉक्टर वकील इंजीनियर आईएएस आईपीएस सब प्रतिभा यहां भरी पड़ी है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता क्योंकि बेईमानों ने कब्जा करा हुआ है। ये बेईमानों का कब्जा हटाने का चुनाव है और भाजपा को जिताने का चुनाव है, इस बात का हमको संकल्प करना है। इनके लिए फैमिली फर्स्ट हो सकती है और हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र फर्स्ट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो देश को आगे बढ़ाना चाहती, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। घोटालों की भी गिनती करो, कितने घोटाले, 1000 करोड़ का घोटाला मनरेगा का, 600 करोड़ का जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनिज घोटाला, कितने शराब घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, नौकरियों में घोटाला, अरे कौन सा घोटाला नहीं। ये सारे अटालों को घर भेजना है हम सबको, और संकल्प लेना विकास का सूरज निकलेगा, झारखंड से कमल खिलेगा और झारखंड देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज सरकार के आधार पर देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख तक का गरीब से गरीब आदमी का भी आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज का सपना देखा, कभी पहले कांग्रेस ने कभी करने दिया क्या? ये झूठ बोल के सरकार बना गए, वो सोने का सिक्का दूंगा, वो सोने का सिक्का नहीं दिया तो 51,000 रुपया दूंगा, बहनों को 2100 रुपए दूंगा, सारी बातें झूठ बोल दी। एक छोटे सा किस्सा सुनाता हूं, मैं भी छोटे ऐसे अपने किसान परिवार से निकला हुआ गरीब, सरकारी स्कूल से 8वीं में अपने स्कूल से जा रहा हूं, और जाते जाते देखा कि एक डमरू बजा के मदारी बैठा है, और मदारी ने कहा ये नेवला है, ये सांप है, डमरू बजा इनका लड़ाई करूंगा लड़ाई करूंगा। हम भी खड़े होगा कि चलो लड़ाई देखते हैं। अध्यक्ष जी, जब सांप नेवले की लड़ाई हो रही हो तो बच्चा कोई निकल रहा तो उसका तो मन लाई मूर्ति नहीं हो, और पूजा करना हो तो कमल के फूल की पूजा कर लोगे, अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। ये हमारी वनस्पति बताइए,
क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया के साथ किसमें बैठते हैं? कमल के फूल पे तो बैठते हैं। तो ये हमारी अपनी परंपरा है। और जब भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाला समय तो जमुना जी का, कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब इनसे पूछना, ये कांग्रेस और इनके साथ वाले सोरेन से, आपको वोट चाहिए तो भगवान जब राम मुस्कुरा रहा है तो आपने कृष्ण कन्हैया का रास्ता क्यों रोक रखा है? पहले इस बात का हिसाब दो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हिसाब इनसे? ये सारे ग्वाल बाल, सारे कृष्ण भक्त, और जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब कृष्ण, तो गोपाल कृष्ण की पूरी फौज तैयार है। अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के माध्यम से संस्कारों की यहाँ त्रिवेणी बही है। ये संस्कारों के माध्यम से अपने समाज की दुनिया में पहचान बनी। दुनिया का कौन सा देश कहीं भी चले जाओ, आप भारत नाम मत लो, आपसे कोई पूछे आप कहाँ से आए तो आप बता दो राम कृष्ण की धरती से आए, तो अपने आप समझ जाते हिंदुस्तान से आए, भारत से आए, ये हमारी संस्कृति। और ऐसे में ये सारे लोग केवल वोट की खातिर अपनी बहनों के लिए यहाँ संथाल परगना है बड़े पैमाने पे, आदिवासी बहन के लिए ये धर्मांतरण करा के उनकी जमीन पे कब्जा कराते, ये लैंड जिहाद कराते, लव जिहाद कराते, इनके एक एक पाप सबको हिसाब चुकता करना है। देखिए आपके भाई को उज्जैन जैसे छोटे से स्थान पर भी आप तो इतनी बड़ी संख्या में, मेरे अपने उज्जैन में 285,000 में आपके जैसे इस भाई के परिवार के समाज के 500 लोग भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कह के बताती है और करके भी बताती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। और छोटी मोटी नहीं, इस झारखंड के राज्य से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक मध्य प्रदेश, और उसी में आबादी के मामले में भी 9 करोड़ से बड़ी आबादी का प्रदेश, केवल भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते से एक कार्यकर्ता को नीचे से उठा करके सीएम तक बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी कार्यकर्ताओं की ताकत। क्यों नहीं बनना चाहिए अपने परिवार में से? जब सबका साथ सबका विकास कहते तो करके दिखाना चाहिए, और हमारे गोपाल कृष्ण ने तो करके दिखाया है। 5,000 साल पहले कंस ने अपने पिता को हटा के कब्जा कर लिया था, इतनी ताकत फैला ली, हरेक को मारने पे तुल गया, पता नहीं क्या क्या सोच के रखा था, लेकिन एक एक करके हमारे लिए भगवान कृष्ण ने मार्ग दिखाया। अरे जमुना जी पे कब्जा करने वाले कालिया नाग पे भी नाच करके कोई दिखा सकते तो गोपाल कृष्ण दिखा सकते, ये उस समय का भी इतिहास है। और उतना ही नहीं, एक के बाद कंस को धता बता करके ना केवल उग्रसेन को वापस राजा बनाया, बल्कि अपने दुनिया के अंदर, अभी मुझे एक बजरंग बली की किताब दी किसी ने, भगवान राम और भगवान कृष्ण के दोनों के बीच 17,00,000 साल का अंतर है, लेकिन दोनों में एक देवता कामन है, वो है बजरंग बली, जिनने भगवान राम के राम राज्य में भी काम आए। और जब भगवान ने रथ हाका अर्जुन का, तो अपने धर्म ध्वजा लेकर के अगर कोई देवता थे उनका नाम है बजरंग बली महाराज की, वो हनुमान जी महाराज थे। तो ये धर्म और अधर्म के मामले में ये ध्वज लेके हम बैठे हैं, वो ध्वज पे उस समय तो चिन्ह नहीं था, लेकिन आज तो कमल का चिन्ह है पक्का, क्योंकि हमको बेईमानों से लड़ना है, हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि, बताओ कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करके बताओ अपने कौन कौन किसान है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। हमारे लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ये माता बहनें बैठी कितनी बड़ी संख्या में, इनको गैस के चूल्हे मिल जाए ये सपना था, लेकिन बहनों को गैस चूल्हे दिलाने का काम किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। यहाँ पर
झारखंड में 38,44,000 केस के कनेक्शन और गरीब आदमी का मकान, ये पहली बार किसी का कलेजा है तो 56 इंच के सीने वाले। इसी झारखंड के अंदर 15 लाख से ज्यादा, जोरदार अभिनंदन करो, 15 लाख मकान देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और अब हमारी तरफ से योजना बनी है कि प्रत्येक गरीब बहन के लिए लाडली बहना योजना के माध्यम से 2100 रुपए देंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की योजना। ये तो केवल बोल के चले गए, ये कुछ करने वाले भी नहीं। लगातार गोंडा जिले के अंदर, और अब तो आपके यहाँ पर ये कलकत्ता बनारस 4 लेन बन रहा है, एक बार फिर अभिनंदन करो, जोरदार तरीके से उसका लाभ अगर कहीं मिलेगा तो अपने इस क्षेत्र के लिए मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, अपने मकान, जमीन, दुकान सबकी रक्षा करने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये वोट उसके लिए मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से बहुत सारी बात कही जा सकती है, लेकिन एम्स जैसा अस्पताल भी अगर खुला है तो वह खोलने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और विकास के मामले में इस ओडिया हाट को भी आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ाने के लिए हमको देवेंद्र सिंह जी का साथ देना पड़ेगा।